वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे फॉरवर्ड कमांड के बारे में, जिसको शॉर्टकट में FD कहते हैं। FD स्टैंड फॉर फॉरवर्ड। सो दिस कमांड टेल्स द टर्टल टू मूव, ओके, और इट कैन मूव द टर्टल इन द फॉरवर्ड डिरेक्शन बाय ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हम लिखना पड़ता है। हम लोग को क्या लिखते हैं, FD फॉलोड बाय सम नंबर। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मुझे टोटल को 100 स्टेप आगे ले जाना है। बुक में तो वैसे 50 स्टेप दिया है, मैं 100 स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चलेगा। तो वो लिखने का तरीका क्या है, कीबोर्ड से टाइप करेंगे, कहाँ पे ये जो कमांड विंडो है इसमें टाइप करेंगे, और टोटल कहाँ पे मूव करेगा, ये ग्राफिक्स विंडो में मूव करेगा। तो देखो मैं कमांड विंडो में कुछ लिख रहा हूँ और उसी हिसाब से वो टोटल कैसे ग्राफिक्स विंडो में मूव करेगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या था, उसको 100 स्टेप आगे ले जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे, FD फिर 100 100, उसके बाद एंटर मारेंगे। देखो यहाँ पे मूव कर गया, देखो। ठीक है, शुरुआत पे यहाँ पे था, अब जो हम FD 100 लिख दिए वो 100 स्टेप आगे चला गया। इससे भी अगर और 50 स्टेप आगे ले जाना है तो फिर क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे FD और 50 लिख देंगे यहाँ पे। तो देखते रहो वहाँ पे, वहीं से फिर 50 स्टेप आगे जाएगा। 50 लिख दिया, फिर एंटर मारूँगा, ये देखो मूव किया। सो FD कमांड इज यूज्ड टू मूव द टोटल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, समझ में आ गया, थैंक यू।